हाथियों का आतंक लगातार जारी है। क्षेत्र में हुई हाथियों की दस्तक, यह मामला जिला शहडोल के अंतर्गत पपौन थाना क्षेत्र का है, जहां पर हाथियों का झुंड क्षेत्र के छतवा के जंगलों में देखा गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पपौंद एवं वन विभाग अमला की तत्परता दिखाई और अपने समस्त दल बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं ग्रामवासियों की मदद से 24 घंटे के अंदर जंगलों में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महज 24 घंटों में ही हाथियों के झुंड को क्षेत्र के बाहर सोन नदी पार उमरिया डिस्ट्रिक्ट के जंगलों तक खदेड़ा गया। थाना प्रभारी एवं उनकी टीम एवं वन विभाग के टीम के द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है। क्षेत्र में हाथियों द्वारा कोई जनधन की हानि नहीं हो पाई। जानकारी मिली है पपौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में छतवा के जंगल में हाथियों का झुंड पहुंचा था, तो सर इस पर क्या कार्रवाई हुई? दिनांक 20 अप्रैल को सुबह सूचना मिली थी कि हाथियों का झुंड ग्राम छतवा के जंगल में है। जो श्रीमान एडीजी सर, एसपी सर, एडिशनल सर और एसडीपी सर के निर्देश में उन पर सतत निगरानी पुलिस एवं फॉरेस्ट विभाग द्वारा रखी जा रही थी और ग्रामीणों को ये बार बार हिदायत दी गई थी कि कच्चे मकान में ना रुकें और रात को जंगल की तरफ ना जाएं। और उसका हाथियों का ट्रैप किया गया तो 20 तारीख को छतवा से जमुनिया होते हुए महादेवा के जंगल में आए। उसके बाद ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि कोई शोर ना करें, हाथियों को अपने रास्ते से जाने दें। तो हाथियों के झुंड रात करीब 2 बजे 21 तारीख को सोन नदी पार करके उमरिया के पनपथा रेंज के जंगल में सुरक्षित पहुंच गए। अभी वर्तमान में फॉरेस्ट विभाग से हम लगातार संपर्क में हैं, जो उनके द्वारा बताया गया कि पनपथा रेंज में है अभी हाथी और फिर भी निगरानी रखी जा रही है, वापस भी आ सकते हैं, तो हम लोग अभी सतत निगरानी रखे हुए हैं। और कोई हमारे थाना क्षेत्र में कोई जनहानि नहीं थी, पुलिस एवं फॉरेस्ट विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़ी मेहनत से कार्य करके उन्होंने हाथी को रास्ता ट्रैक करके सुरक्षित उमरिया के जंगल में चले गए।